नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 24 सीटों के लिए मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक 41.17% मतदान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, देश के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के लिए शोध एवं विकास के क्षेत्र में महिलाओं की अधिक भागीदारी आवश्यक। दिल्ली की अदालत ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में सम्मन जारी किया। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तर पूर्व के अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और चीन के चांगझू में चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के पहले दौर में मालविका बंसोड ने दुनिया की 7वें नंबर की खिलाड़ी ग्रेगोरिया तुनजुंग को हराया। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में चेनाब घाटी के डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिलों में मतदान जारी है। इन जिलों में 7,14,000 मतदाता 64 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। दिन में 1 बजे तक 41.17% मतदान की खबर है। चेनाब घाटी के अलावा दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और शोपियां की 16 विधानसभा सीटों पर भी पहले चरण में वोट डाले जा रहे हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं श्रीनगर में मौजूद हमारे संवाददाता सुनील कौल से। सुनील, मुख्य मुकाबला किन पार्टियों के बीच है? जी नमस्कार कनक जी, मुख्य जो मुकाबला है वो है, ये इल्तिजा है मुफ्ती जो सुपुत्री है, जो पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर की थी, महबूब मुफ्ती की है मुफ्ती, उनकी सुपुत्री है इल्तिजा मुफ्ती, वो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। तो ये है अब्दुल डॉक्टर बशीर अहमद वीरी नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, विकार रसूल वानी कांग्रेस से हैं, खलील बंद पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो राजपुरा पुलवामा से लड़ रहे हैं, शक्तिराज परिहार डोडा भारतीय जनता पार्टी वेस्ट से वो लड़ रहे हैं। हाँ कनक सुनील, ये तो वे मुख्य उम्मीदवार, मैं पूछ रही हूँ किन पार्टियों के बीच मुख्य मुकाबला है? वैसे तो कई पार्टियां हैं मैदान में, लेकिन मुख्य मुकाबला किन के बीच है, किन पार्टियों के बीच? जी मुख्य पार्टियां जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी है, अवामी इतिहाद पार्टी, जो इंजीनियर रशीद जो कुछ समय तक वो जेल में बंद थे उनको रिहा किया गया है बेल पे, तो उनकी पार्टी भी लड़ रही है अवामी इतिहाद पार्टी। निर्दलीय उम्मीदवार भी काफी बड़ी संख्या में इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। जी 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 कनकलता जी, इस बार जो मतदाता है वो काफी उत्साहजनक है, उत्साहपूर्वक वो अपने मतदान केंद्रों की तरफ रुख कर रहे हैं। और अभी तक जो 1 बजे के तक जो आंकड़े सामने आए हैं चुनाव आयोग के जो आंकड़े के मुताबिक 41.17% मतदान अभी तक रिकॉर्ड किया गया है। कनकलता जी, जानकारी के लिए धन्यवाद। सुनील, पहले चरण में कश्मीरी पंडितों को मतदान की सुविधा देने के लिए 24 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें जम्मू में 19, उधमपुर में 1 और दिल्ली में 4 केंद्र शामिल हैं। इस चरण में 35,000 से अधिक कश्मीरी पंडित अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। जम्मू कश्मीर में 1 दशक के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। जम्मू क्षेत्र में मतदान की ताजा जानकारी के लिए बात करते हैं गुलशन रैना से। गुलशन, जम्मू क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सीटों में अब तक कितना प्रतिशत मतदान दर्ज किया जा चुका है और लोगों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? अगर हम ओवरऑल जम्मू कश्मीर की बात करें तो इस वक्त तक 41.17% जो है मतदान वो हो चुका है। 24 असेंबली सेगमेंट्स हैं हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट्स के जहां वोटिंग हो रही है। अगर हम जम्मू डिवीजन की बात करें तो जम्मू में 8 असेंबली हलके जो हैं, जो किश्तवाड़, डोडा और रामबन जिलों में हैं, उनमें सुबह 7 बजे से पोलिंग हो रही है। तो सबसे ज्यादा पोलिंग इस वक्त तक इंदरवाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की है, वहां 60% वोटिंग जो है वो हुई है। किश्तवाड़ की अगर हम बात करें तो किश्तवाड़ में 54.36%, पाडर नाग सैनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 56%, भद्रवा में 48.37%, डोडा में 50.93%, इसी तरह डोडा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर हम बात करें तो 54.80%, रामबन में 50.56% और बनिहाल में
49% पोलिंग जो है 3 बजे तक रिकॉर्ड की गई है। गुलशन जी, ऐसी चर्चा है, जी जी कनक जी, ऐसी चर्चा है कि पहला चरण जम्मू कश्मीर में पूरे चुनाव की दिशा तय करेगा, आपका क्या मानना है संक्षेप में? बिल्कुल, जिस हिसाब से लोग घरों से निकल रहे हैं और पोलिंग की प्रतिशत हमें मिल रही है, अगर हम दोनों जिलों दोनों डिवीजनों की बात करें, जम्मू हो या कश्मीर हो, उससे ये लगता है कि जिस हिसाब से लोग निकल रहे हैं और मतदान कर रहे हैं और जो प्रतिशत हमारे पास 3 बजे तक आंकड़े आए हैं, वहां से लगता है कि ये फेज जो पहला फेज है ये एक दिशा देगा यहाँ के इलेक्शन को। धन्यवाद गुलशन। मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। हरियाणा विधानसभा में एक ही चरण में हो रहे चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता रैलियां कर रहे हैं। कुल 1031 उम्मीदवार मैदान में हैं। सोमवार को नामांकन वापसी का अंतिम दिन था। 5 अक्टूबर को मतदान होगा और 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में महिलाओं की अधिकतम भागीदारी न केवल देश की सांस्कृतिक तथा आर्थिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि महिलाओं की जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए भी आवश्यक है। वे आज जयपुर के मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित 18वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि यदि महिलाओं को समान अवसर मिलेंगे तो वे अधिक उत्कृष्टता हासिल कर सकती हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों की महत्वाकांक्षाएं राष्ट्र के अनुरूप होनी चाहिए और उन्हें समाज तथा राष्ट्र के विकास का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। हमने भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य तय किया है। राष्ट्रीय विकास को नेतृत्व प्रदान करना आपका कर्तव्य है। आपको अपने देश को आगे बढ़ाना है। आप अपनी विद्या और दृढ़ संकल्प के बल पर व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ देश के भविष्य को स्वरूप प्रदान करने के लिए आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए और संस्थान के नए अरावली छात्रावास का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, उनके बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तथा अन्य लोगों को जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में सम्मन जारी किया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने इस मामले में लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी सम्मन भेजा है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आरोपियों को 7 अक्टूबर तक अदालत में हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। आरोपियों के खिलाफ दायर पूरक आरोप पत्र का संज्ञान लेने के बाद अदालत ने ये आदेश दिया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए लाया गया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से सरकार सुनिश्चित करेगी कि वक्फ संपत्तियों का वैज्ञानिक और पारदर्शी तरीके से पूरी जवाबदेही के साथ प्रबंधन किया जा सके। जेपीसी बनाया ताकि और लोग उसमें अपना बात रख सके। अब जेपीसी का आएंगे रिपोर्ट, रिकमेंडेशन आएंगे, हम तो पारित करेंगे, लेकिन वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के जो गुमराह किया जा रहा है, गलत बातें किया है, झूठे बातें करके लोगों को गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम सही बात बताएंगे और ये किसी का जमीन हड़पने का कोई इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता। इस देश में कानून चलता है, संविधान से देश चलता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि विकसित तथा सशक्त समाज के लिए सतत विकास की ओर बढ़ने का समय आ चुका है। वे आज गांधीनगर में नवीकरणीय ऊर्जा निवेश सम्मेलन में भारत के नेट जीरो लक्ष्य पर आयोजित सत्र को संबोधित कर रहे थे। श्री यादव ने कहा कि भारत पेरिस में निर्धारित जलवायु लक्ष्यों को 9 साल पहले ही हासिल करने वाला एकमात्र G20 देश है। G20 में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने रिन्यूएबल की क्षमता और कार्बन एमिशन कम करने के अपने लक्ष्यों को दुनिया में 9 साल पहले हासिल किया है। जो 2030 में हासिल करना था वो 2021 में हासिल किया है। और इसलिए ग्लासगो में जो अपने रिवाइज NDC हमने दिए हैं कि हमने 500 गीगावाट के लक्ष्य को, हमारी जो 2005 की GDP थी उसके तुलना में 45% कार्बन एमिशन को कम करने के टारगेटेड को भी हमने फिक्स करके आगे बढ़े हैं।
तीन दिवसीय वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश सम्मेलन और एक्सपो आज समाप्त होगा। केंद्र में मोदी सरकार ने ऐतिहासिक तीसरी बार सत्ता में आने के बाद अपने पहले 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इस दौरान सरकार ने बुनियादी ढांचे, किसानों, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए 15 लाख करोड़ रुपए की कई परियोजनाएं शुरू की हैं। सरकार द्वारा कनेक्टिविटी तथा विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न परियोजनाओं को स्वीकृति देने के साथ ही देश भर में बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट। देश को विकसित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मोदी सरकार ने पिछले 100 दिनों में 3 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके जरिए सड़कों, रेलवे, बंदरगाह और हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने 900 किलोमीटर से अधिक लंबी 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा बायो E3 नीति पेश की गई है, जिसका उद्देश्य हरित विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्यों को हासिल करना है। भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए सरकार ने 28,600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 12 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी है। छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा क्रेडिट गारंटी योजना भी लागू की गई है। वहीं नवाचार को बढ़ावा देने और देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। साथ ही देश के अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने अंतरिक्ष स्टार्टअप के लिए 1,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया है। पल्लवी के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सरकार ने पिछले 100 दिन में मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति की बहाली के लिए अनेक कदम उठाए हैं। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की 2 बटालियन और केंद्रीय पुलिस बलों की 200 कंपनियां मणिपुर में तैनात की गई हैं। ये भी बताया गया है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मणिपुर की सुरक्षा स्थिति की नियमित समीक्षा कर रहे हैं और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 21 से 23 तारीख तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। वे वाशिंगटन के डेलावेयर में 21 सितंबर को क्वाड नेताओं के 4th शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की वर्ष 2025 की बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने वाले 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्रों का पंजीकरण आज से आरंभ हो गया है। CBSE की अधिसूचना के अनुसार पंजीकरण की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तर पूर्व में कहीं तेज और कहीं बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ एक स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र की उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पर्यावरण को बचाने के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया है। वे आज गांधीनगर में वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। श्री धनखड़ ने कहा कि भारत लगातार विकास कर रहा है और देश में जमीनी स्तर पर बदलाव हो रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत अब तक लगभग 7,000 पौधे लगाए हैं। मंत्रालय ने शहरी और ग्रामीण इलाकों के अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के सहयोग से वृक्षारोपण किया है। भारतीय शटलर मालविका बंसोड़ ने आज चीन के चांगझू में चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के पहले दौर में पेरिस ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता ग्रेगोरिया तुंजुंग को हरा दिया है। मालविका ने 5वीं वरीयता प्राप्त इंडोनेशियाई खिलाड़ी को सीधे सेटों में 26-14, 21-19 से मात दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 24 सीटों के लिए मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक 41.17% मतदान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, देश के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के लिए शोध और विकास के क्षेत्र में महिलाओं की अधिक भागीदारी आवश्यक। दिल्ली की अदालत ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में समन जारी किया।
और चीन के चांगझू में चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के पहले दौर में मालविका बंसोड़ ने दुनिया की 7वें नंबर की खिलाड़ी ग्रेगोरिया तुंजुंग को हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।